संत जोसेफ फ्रेनाडेमिट्स फू शैन फू दिव्य शब्द संघ के प्रथम चीन मिशनरी जोसेफ फ्रेनाडेमिट्स का जन्म 15 अप्रैल 1852 को आप्टाई ओइस टिरोल इटली में हुआ था। वे अपने पिता मथियास फ्रेनाडेमिट्स एवं माता अन्ना सोतलगियारी की चौथी संतान थे। वे किसान थे और उनके 13 बच्चे थे। मथियास अपनी थोड़ी सी जमीन के मालिक थे। वह गांव की राजनीति में सक्रिय भाग लिया करता था। बचपन में जोसेफ को प्यार से उजोप नाम से पुकारा जाता था। गांव में सामूहिक प्रार्थना होती थी। गिरजाघर की घंटी बजते ही सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना करते थे। हर गुरुवार को मृतकों और मरने वालों की आत्म शांति के लिए प्रार्थना होती थी। शुक्रवार को क्रूसित प्रभु यीशु के लिए 5 हे पिता, 5 प्रणाम मरिया और 5 पिता पुत्र की प्रार्थना की जाती थी। माह में एक बार पूरा परिवार परम प्रसाद ग्रहण करता था। महीने में एक बार घर का प्रमुख पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित पुण्य क्षेत्र कोच कोफेल नामक तीर्थ स्थान की पैदल यात्रा किया करता था। यह यात्रा बहुत ही कठिन थी। इन सब कारणों से सारा माहौल बहुत ही भक्तिमय था। ऐसे वातावरण में यूजोफ का जीवन भक्ति भाव से ओतप्रोत होना स्वाभाविक था। एक दिन बलि पुरोहित ने जोसेफ से कहा, जोसेफ, क्या कभी मन में पुरोहित बनने का विचार आया? इस प्रश्न के लिए जोसेफ ने स्वाभाविकता से उत्तर दिया, हाँ गुरुजी, मैं यही चाहता हूँ। तब से जोसेफ गंभीरता से पुरोहित बनने के विषय में सोचने लगा और ईश्वर से प्रार्थना भी करने लगा। पढ़ाई के लिए उसे अपना गांव त्यागना पड़ा और ब्रिक्सन को चला गया। जोसेफ ने 1872 में सेनरी में भर्ती ली। 25 जुलाई 1875 को संत जेम्स के त्यौहार के दिन उसका पुरोहिताभिषेक हुआ। 4 अक्टूबर 1876 को धर्म प्रांत के समाचार पत्र में यह घोषणा की गई कि फादर जोसेफ फ्रेनाडेमिट्स संत मार्टिन चर्च के सहायक पुरोहित नियुक्त किए गए हैं। फादर पीटर ट्रेबो यहाँ के पली पुरोहित थे। उसने अपने सहायक जोसेफ को बीमारों के लिए परम प्रसाद ले जाने, बच्चों को धर्म ज्ञान सिखाने, स्कूल में पढ़ाने का कार्य सौंपे। एक दिन जोसेफ ने धर्म प्रांतीय समाचार पत्र में पढ़ा कि फादर आर्नोल्ड जॉनसन हॉलैंड जर्मन सरहद पर एक मिशन सेमिनरी खोल रहे हैं जो विदेशी देशों के लिए धर्म प्रचार के अवसर प्रदान करेगी। यह निमंत्रण पढ़कर जोसेफ को बहुत खुशी हुई और अपनी इच्छा दिखाई। जब फादर आर्नोल्ड ने बिशप स्वामी से फादर जोसेफ के लिए मिशन सेमिनरी में भर्ती की अनुमति मांगी तो बिशप स्वामी ने इस प्रकार जवाब दिया, ब्रिक्सन का धर्मगुरु फादर जोसेफ को भेजने से इनकार करता है, पर विश्व कलीसिया के सदस्य के रूप में मैं खुशी से कहता हूँ, जोसेफ को अवश्य ले जाइए और एक निपुण मिशनरी बनाइए। ऐसी शुरू हुई फादर जोसेफ की मिशन यात्रा। 18 अगस्त 1878 को अपनी मंजिल की ओर मन में विश्वास और ईश्वर पर भरोसा रख नए अपरिचित लोगों के बीच सुसमाचार का सत्य फैलाने की आशा से चल पड़ा। फादर जोसेफ ने अपने प्रिय माता पिता, भाई बहनों से सदा के लिए भावभीनी विदाई मांगी। वे जानते थे कि फिर कभी वे उनसे नहीं मिलेंगे। स्टाइल सेमिनरी से 2 मार्च 1879 को फादर आंजर और जोसेफ चीन के लिए रवाना हुए। चीन में पहुंचकर उन्होंने अपनी पोशाक भी बदल डाली और अपना नाम भी चीनी भाषा में लिखा, फू शैन फू। चीनी लोगों के समान बाल कटवाने लगा, मुझे भी उन्हीं के अनुसार रखी, जूते भी उनके समान पहनने लगा। 15 अगस्त 1886 को उसका दिव्य शब्द संघ में पुरोहिताभिषेक हुआ। फादर जोसेफ ने पोली में शुरू से ही लोगों के बीच रहकर
उनके समान जीकर उनका आदर और भरोसा पाना उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य था। दिन और महीनों के परिश्रम ने आखिर फल देना शुरू किया। धीरे धीरे लोग धर्म से जुड़ने लगे, विश्वासियों की संख्या बढ़ती गई, नए गिरजाघरों का निर्माण हुआ, नए मिशन स्टेशन खोले गए। फादर जोसेफ हमेशा प्रार्थना किया करते थे, प्रभु यीशु का पवित्र हृदय सबके हृदय में निवास करे और आपका राज्य दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल जाए। जब उसे प्रोविंशियल का पद दिया गया तो उसने कहा, मुझसे भी अधिक योग्य पुरोहित इस पद के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें न चुन के मुझ पापी को क्यों यह पद सौंपा है। फिर भी किसी भी कार्य से पीछे हटने वाला नहीं था, अपने कर्तव्य कुशलता से निभाता था। कर्तव्य परायण आज्ञाकारी फू शैन फू ने 28 जनवरी 1908 को अपने प्राण त्याग दिए। फादर स्टेंज ने कहा, हमारे लिए और चीन मिशन के लिए अकथनीय क्षति पहुंची है, उसे पूरा करना असंभव है। उसने बीमारी में साहस दिखाया, वह मरना नहीं चाहता था, पर ईश्वर की इच्छा के प्रति पूर्ण संवेदनशील था। उसकी मृत्यु पर हमें आभास हो रहा है कि वह कितना महान था। फू शैन फू की मृत्यु पर सारा संसार शोक मनाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे माँ बाप का देहांत हुआ है, ये शब्द थे एक चीनी विश्वासी के। फादर जोसेफ बोलता था, मैं स्वर्ग में भी चीनीस रहना चाहूँगा। चीन देश जाकर वह कभी अपने घर वापस नहीं लौटा। 5 अक्टूबर 2003 को संत पापा योहन पौलुस द्वितीय फादर जोसेफ और फादर आर्नोल्ड को संत घोषित किया।